हे गाइस, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टेक एप्स में। दोस्तों, हमारी लाइफ को एडवांस स्मार्ट चीजों का सामान ही बनाता है और आपकी लाइफ को बहुत ही स्मार्ट एडवांस बनाने के लिए इस वीडियो में कई सारे गैजेट्स हैं जो अपने साथ वैक्यूम वाली ताकत रखते हैं और आपकी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को खत्म करने का जज्बा भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस कमाल की वीडियो को जो आपके बहुत ज्यादा काम आने वाला है। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट होगा कोटुदामा लिरिक स्पीकर से। म्यूजिक सुनाने वाले स्पीकर तो आपने देखे होंगे, लेकिन इतना स्टेरिंग स्पीकर कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि यह स्पीकर सिर्फ म्यूजिक सुनाता नहीं, आपकी नजरों को लिरिकल टेस्ट में दिखाता भी है। अगर आप म्यूजिक के लिरिक्स सही से याद करना चाहते हैं और उसे गाना भी चाहते हैं, तो इस स्पीकर के साथ आप म्यूजिक का हर एक लफ्ज सही से सुन और पढ़ सकते हैं। और यह अपने ट्रांसलेट डिस्प्ले पर म्यूजिक के हिसाब से टेक्स्ट को मोशन भी कराता है और एंटरटेनमेंट का मजा भी बहुत ज्यादा बढ़िया तरीके से देता है। नंबर 19, डेल XPS 13 इंच के HDR डिस्प्ले के साथ साथ यह लैपटॉप अपने पास एडवांस थर्मल चैम्बर फीचर भी रखता है और इसके पास पेपर कूलिंग भी है। ये काफी ज्यादा हाईटेक है और इसे आप अपने दो तरह के अलग अलग काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें मैग्नेटिक सिस्टम दिया गया है जिसकी मदद से आप इसकी स्क्रीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कार्बन फाइबर का ब्लैक और डायमंड एज कटिंग वाला इसका कीबोर्ड है, आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में मदद करेगा और इसका HDR डिस्प्ले अपने ऊपर हाई क्वालिटी की लाइटिंग डिस्प्ले प्रोवाइड करेगा। इसकी स्क्रीन अच्छी खासी रोटेट होती और आप कीबोर्ड को पूरी तरह से पीछे करके इसके साथ मूवी का मजा अच्छे से ले सकते हैं। इसमें बिल्कुल लेटेस्ट 10th जनरेशन का इंटेल कोर प्रोसेसर दिया गया है। नंबर 18, पपियो R6। रेंगते हुए कीड़े घर में गंदगी करते हैं, लेकिन रेंगता हुआ यह डिवाइस वैक्यूम टेक्नोलॉजी की मदद से आपके घर को साफ करता है और ऑटोमेटिक तरीके से घर की हर गंदगी की जगह पर पहुंचकर अपने इन छोटे छोटे हाथों से गंदगी को अपने अंदर खींच लेता है। इसकी एक बार की चार्जिंग में आप अपने 3230 स्क्वायर फीट वाले घर को साफ कर सकते हैं। इसकी मोटर में आप 2000 पास्कल सक्शन का पावर दे सकते हैं जो गंदगी को अपने अंदर काफी तेजी से खींचता है, और इसे आप अपने स्मार्टफोन से कनेक्ट करके टाइमिंग के हिसाब से घर में सफाई करवा सकते हैं। और इसमें मॉपिंग और नेविगेशन वाले एडवांस फीचर भी दिए गए हैं जिनसे आपकी सफाई और ज्यादा यूनिक हो जाएगी। नंबर 17, सोनी हेडफोन। क्लैरिटी के साथ बढ़िया वाले साउंड के साथ म्यूजिक सुनने में सोनी की चीजों का कोई जवाब नहीं, और इसी कड़ी में सोनी के यह हेडफोन अपने साथ म्यूजिक सुनाने के बड़े गजब के फीचर रखते हैं। इसमें इंडस्ट्रियल नॉइस कैंसिलेशन फीचर है जो म्यूजिक के साथ आपको जरा भी डिस्टर्ब बाहर के साउंड के साथ नहीं होने देता, और आप किसी की भी बात पर इसके साथ कोई भी अटेंशन दे सकते हैं। इसे आप अपने कानों पर और हेड के ऊपर आराम से पहन सकते हैं और अपनी हैंड फ्री वाली कॉलिंग और वॉइस असिस्टेंट फीचर का मजा भी ले सकते हैं। यह पूरी तरह से वायरलेस तरीके से आपके स्मार्टफोन से कनेक्ट रहेगा और सिर्फ 10 मिनट में 5 घंटे तक आपको म्यूजिक सुनाने के लिए चार्ज हो जाएगा, और एक बार की फुल चार्जिंग के बाद यह बैटरी 30 घंटे तक आपको लगातार म्यूजिक सुना सकती है। नंबर 16, किचन सेफ। ये स्पेशल कंटेनर है जिसमें ऐसा लॉक दिया गया है जिसे आप टाइम के हिसाब से सेट कर देंगे तो ये उसी टाइम पर ओपन होगा, उससे पहले कंटेनर के अंदर रखी हुई चीज किसी को भी नहीं लेने देगा। अगर आपके घर में बच्चे हमेशा चॉकलेट खा जाते हैं और घर में खाने की रखी हुई चीजों को लेकर वे खा लेते हैं और गिरा भी देते हैं, तो अब आप अपने खाने की चीजों को इसके साथ सेफ रख सकते हैं। और इसके अलावा बच्चों के रिमोट कंट्रोलर और दूसरी चीजों भी इसके साथ बहुत ज्यादा सेफ तरीके से टाइमिंग के हिसाब से सेफ रखी जा सकती है। नंबर 15, सर्फेस स्टूडियो 2। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया यह हाई क्वालिटी HDR और बेस्ट कलरफुल डिस्प्ले वाली स्क्रीन आपकी जरूरत के हिसाब से अपने बेस पर 45 डिग्री से 95 डिग्री तक रोटेट हो सकती है, और इसमें इस्तेमाल के लिए फास्टेस्ट सर्फेस दी गई है और इसकी स्क्रीन को चलाने के लिए इसका अपना स्पेशल सर्फेस भी। इसके साथ अपनी प्रोडक्टिविटी को किसी भी दूसरी स्क्रीन के मुकाबले 35% तक ज्यादा एक्यूरेट के साथ आप बढ़ा सकते हैं, और अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकने के साथ साथ इसकी स्क्रीन के ऊपर इसका पैन किसी भी बढ़िया दूसरी स्क्रीन से ज्यादा तरीके आप चला सकते हैं। आप इसके साथ एक्सबॉक्स गेमिंग भी कर सकते हैं और कंप्यूटर और लैपटॉप के जैसा इसका इस्तेमाल भी आप कहीं भी कर सकते हैं। नंबर 14, आईपिन रूलर। मोबाइल फोटो में फोटो लेकर तो चीजों का अंदाजा सभी लगाते हैं, लेकिन अब मोबाइल फोन के पीछे ये डिवाइस लगाने के बाद आप मोबाइल फोन के फोटो के साथ चीजों की मेजरिंग कर सकते हैं और बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को आराम से एक जगह पर खड़े रखकर लंबाई चौड़ाई के साथ नाप सकते हैं। यह लेजर मेजरिंग डिवाइस है जो आसानी से स्मार्टफोन से कनेक्ट होती है, और आप इसके साथ 3D ऑब्जेक्ट की मेजरिंग आराम से कर सकते हैं। यह लेजर से लंबाई चौड़ाई के साथ पूरी डायमेंशन भी बताता है और आप किसी भी दीवार पर लगाकर इसके साथ मेजरिंग कर सकते हैं। नंबर 13, ESG ग्लासेस। ऑफिस में काम करने वालों के लिए काम करने की जगह तो काफी सारी होती है, लेकिन किसी प्राइवेसी के लिए कोई भी जगह नहीं होती, जिसके लिए आप यह ग्लास वाला कैबिन अपने ऑफिस में लगा सकते हैं जो ट्रांसपेरेंट भी दिखता है और एक बटन दबाने के बाद इसके अंदर का कोई नहीं देख सकता। आप वर्क वाली जगह पर अपने काम करने वालों को कपड़े बदलने की जगह इस ग्लास के जरिए बनाकर दे सकते हैं, और अगर आप कोई कपड़े की शॉप रखते हैं जिसमें आप
हैवी कंस्ट्रक्शन नहीं चाहते और ट्रांसपेरेंट ग्लास वाला फीचर भी रखना चाहते हैं तो आप इसे लगा सकते हैं। नंबर 12 पैट्स हुडी। बच्चे सर्दियों में भी जैकेट्स पहनने में बहुत ज़्यादा मुश्किलें पैदा कर देते हैं पेरेंट्स के लिए, लेकिन अगर आप सर्दियों में अपने बच्चों को यह वाली हुडी पहनाते हैं तो वह बिल्कुल भी दिक्कत पैदा नहीं करेंगे और बहुत ही जल्दी से ये वाली हुडी पहन लेंगे, क्योंकि इनके साथ उनको पांडा भी मिलेगा, छोटा सा लाइन भी मिलेगा और एक बढ़िया वाला पपी भी। इसके साथ बच्चे खेल भी पाएंगे, इसे पिलो बनाकर सो भी जाएंगे और एक बढ़िया बैग की तरह भी इसे इस्तेमाल कर पाएंगे। तो अगर आप बच्चों को सर्दी से बचाने के लिए जर्किन ढूंढ रहे हैं तो उन्हें ये हुडी लाकर दे दीजिए, जिससे वे खुशी खुशी इसे पहन लेंगे। नंबर 11 क्लीन स्टेप। पैरों के साथ किसी भी जगह में जूते या चप्पल आते हैं और उनमें लगी हुई रहती है बाहर की रोड पर पड़ी हुई काफी सारी गंदगी, जो सरफेस को बहुत ज्यादा गंदा कर देती है और इसीलिए वर्कर को बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है और इसके लिए कई सारी मशीनों का भी बड़ी बड़ी जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है। पर अब इस डिवाइस के साथ पैरों के जूतों में लगी हुई गंदगी बिल्कुल भी सरफेस पर नहीं आएगी, क्योंकि यह प्लास्टिक की पेपर के साथ पैर के निचले एरिया को पूरी तरह से कवर कर देगा और चलने वाले के नीचे के साइड पर होगा पूरी तरह से प्लास्टिक, जो गंदगी को सरफेस तक नहीं आने देगा और आप अपने बड़े एरिया को इसके साथ अच्छी तरीके से साफ कर पाएंगे। नंबर 11 हैंडी कैन ओपनर। किसी भी कैन के ढक्कन को खोलने के लिए अब आपको अपने हाथों का दम उस पर नहीं दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये डिवाइस कैन के ढक्कन को बहुत ही आराम से अपने रोटेटिंग गियर की मदद से खोल देगा। इसमें मैग्नेटिक ताकत भी है और यह कैप के चारों तरफ उसे घूमकर उसके ढक्कन को पकड़ते हुए खोल देता है और आपको ताकत भी नहीं लगाना पड़ती। यह कॉन्टेक्टेबल लाइट वेट डिवाइस है जिसे आप अपने किचन में आराम से रख सकते हैं और चीजों को अच्छे से खोलने में यूज कर सकते हैं। नंबर 9 स्पैरो बोल। बोल हाथों से छूटने के बाद किसी भी डायरेक्शन में चली जाती है और थोड़ी सी देर के रुकने के बाद, लेकिन यह रोबोटिक बॉल हाथ से जमीन पर रखने के बाद आपके हिसाब से सारी डायरेक्शन में जा सकती है और जब तक आप चाहेंगे रोटेट होकर सरफेस पर चल सकती है। इसके साथ बच्चों की लर्निंग बढ़ाई जा सकती है और मोबाइल फोन से कनेक्ट करके इसके एप्लीकेशन की मदद से इसे सरफेस पर काफी देर तक चलाया जा सकता है। इस पर एलईडी लाइटिंग वाला ग्राफिकल डिस्प्ले भी है जो अपने ऊपर चेहरा बताता है और आंखें भी बताता है। नंबर 8 मैक्स पंप। जंगल में अपने टेंट को हवा देने के लिए और बिल्कुल सही से सरफेस पर खड़ा करने के लिए कब तक आप अपने हाथों से एयर पंप को चलाते रहेंगे, जो आपके हाथों को दुखाता भी है और सही से टेंट में हवा भी नहीं डालता। उसे छोड़कर आप सिर्फ 150 ग्राम का यह एयर पंप अपने हाथों में ले सकते हैं, जो सिर्फ एक मिनट में 3 लीटर कैपेसिटी की हवा आपके टेंट में डाल देगा और किसी भी प्लास्टिक के बैग में इसके साथ एयर भरे जा सकते हैं। इसमें 3600 mAh की बैटरी लगी हुई है, जिसके साथ आप इमरजेंसी में अपने किसी भी स्मार्ट डिवाइस को चार्ज कर सकते हैं। यह वाटरप्रूफ है और पानी में गिरने के बाद भी खराब नहीं होता, लेकिन हवा बहुत ज्यादा तेज 5 मिनट में ही भर देता है। नंबर 7 स्क्रब डेजी। किचन में बर्तन धोने वाली जगह पर अपने स्क्रबर को हटाकर यह वाली यूनिक स्क्रबर डिवाइस रख लीजिए, जिसके साथ आपको लंबी लंबी वाटर्स को साफ करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसके साथ 3 छोटे छोटे अलग टूल बर्तन की क्लीनिंग के लिए दिए गए हैं। छोटे फ्लावर के साइज में और गमले के साइज में बर्तन धोने की जगह पर आराम से रखा हुआ रहता है और आप इसके साथ 3 एक्सक्लूसिव मटेरियल का इस्तेमाल कर पाएंगे, जिसमें फ्लेक्स टेक्सचर वाला स्क्रबर है, रेजो फोम है, आर्मर टैक शामिल है जो स्क्रबिंग की हाई क्वालिटी अपने साथ रखता है और जल्दी सुखाने में मदद करता है। नंबर 6 लूसी 3D विजुअलाइजेशन के साथ अगर आपको कुछ कुछ देखना है और मूवी देखना है तो आप अपनी आंखों पर इस डिवाइस को लगा लीजिए, जो किसी भी मूवी के बेहतरीन शॉट को आपकी आंखों के बिल्कुल पास लाकर करीब लाकर आपको दिखाएगा। इसका डिजाइन काफी ज्यादा सिल्की है और इसका वजन बहुत कम। इसे आप आराम से अपनी आंखों पर लगाकर एक बड़ी स्क्रीन के तौर पर देख सकते हैं, सिर्फ प्लग इन अप्लाई कर। इसका डिजाइन काफी ज्यादा सिल्की और इसका वजन बहुत ज्यादा कम। इसे आप आराम से अपनी आंखों पर लगाकर एक बड़ी स्क्रीन की तरह यूज कर सकते हैं। सिर्फ प्लग इन प्ले करने के बाद यह गेम्स को भी आपके लिए बढ़िया लुक देता है और आप इसके साथ सोशल मीडिया की एप्लीकेशंस भी बड़े मजेदार मोड में चला सकते हैं। नंबर 5 मैच डॉग। काम के लिए हम अपने एक लैपटॉप ले जा सकते हैं, लेकिन अगर आपका काम एक लैपटॉप की स्क्रीन के साथ नहीं होता तो आप अपने काम के लिए ये वाला मॉनिटर ले सकते हैं, जो 3 तरह के डिफरेंट साइज में अवेलेबल है और बहुत ही बढ़िया पिक्चर क्वालिटी अपनी स्क्रीन पर दिखाता है। इसे आप अपने लैपटॉप से, मैकबुक से, स्मार्टफोन से और कंप्यूटर गेमिंग के कंसोल से आराम से कनेक्ट कर सकते हैं और चला सकते हैं। कमाल की गेमिंग का मजा ले सकते हैं और अच्छे आउटडोर में भी इसे आप लेकर जा सकते हैं और अपने काम को दो दो स्क्रीन के साथ बढ़िया तरीके से कहीं भी बैठकर खत्म कर सकते हैं। नंबर 4 वाला बोर्ड। पाइप की फिटिंग दीवारों के अंदर होती है, लेकिन हम पाइप फिट करवाने के बाद उसकी सही जगह भूल जाते हैं और जरूरत पड़ने पर हमें दीवार में कई जगह पर पाइप को ढूंढना पड़ता है और उसके लिए दीवार में काफी ज्यादा नुकसान भी पहुंचता है। लेकिन अब इस डिवाइस के साथ आप प्लास्टिक के पाइप और मेटल के पाइप आराम से दीवार के आर पार ढूंढ पाएंगे। ये बिल्कुल ड्राई वॉल पर काफी तेजी से काम करता है और आप इसे दीवार पर लगाकर उसके पीछे के पाइप की सही जगह जान सकते हैं, जिसके बाद आपको दीवार में ज्यादा नुकसान किए बिना सही कनेक्शन की सही टाइम पर सही जानकारी मिल जाएगी। यह काफी छोटा डिवाइस है और आप इसे दीवार पर चलाकर आराम से यूज कर सकते हैं।
नंबर थ्री, रिंग कैमरा। आपके घर के बाहर कोई भी अनजान व्यक्ति आता है और आप उसे घर में घुसने से पहले ही रोक देना चाहते हैं, तो अपने घर के बाहर ये वाला मोशन एक्टिवेटेड सेंसर कैमरा लगा सकते हैं, जिसमें एसडी क्वालिटी वाला कैमरा लगा हुआ है और ये अपने 140 डिग्री एंगल की वीडियोग्राफी हर वक्त करता रहता है। इसके साथ आप टू वेल कॉल कर सकते हैं और एक अलार्म घर के अंदर बिना इजाजत घुसने वाले को सुनाकर भगा सकते हैं। इसमें रिकॉर्ड होती हुई वीडियो आपके मोबाइल में डायरेक्ट दिखती है और इसके साथ दो बढ़िया वाली लैंप भी आपको घर के बाहर मिल जाती है। नंबर टू, ऑस्मो। बड़ी बड़ी बिल्डिंग का एक्सटीरियर अब कांच के जैसा नाजुक चीजों का बनाया जाने लगा है, जो कुछ दिन तक तो बहुत ही खूबसूरत लगता है लेकिन कुछ ही दिनों के बाद बाहर की गंदगी वजह से खराब हो जाता है। तो इसे साफ करने के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी की मदद से बनाया गया है ये रोबोट। इसके साथ आप बड़ी बिल्डिंग की विंडो को और उसके एक्सटीरियर को बहुत ही आराम से साफ कर पाएंगे और आप उसे हर वक्त के लिए खूबसूरत भी बना पाएंगे। तो अगर आपने अपनी बिल्डिंग को हमेशा के लिए क्लियर और खूबसूरत बनाए रखना है तो इस बिना रिस्क के काम करने वाले रोबोट को आप ले सकते हैं। नंबर वन, फ्लैक्स मैट। छोटे छोटे टूल जो कई सारे होते हैं लेकिन उनकी जरूरत भी बहुत ज्यादा होती है और उन्हें संभालने के लिए भी हमें अलग अलग बैग अपने पास रखना पड़ती है, लेकिन अब इस मैट के साथ आपको किसी भी तरह का बैग नहीं रखना पड़ेगा और यह एक ही जगह पर कई सारे स्टोर हो जाएंगे। इसमें आप छोटे से लेकर बड़े टूल को आराम से रख सकते हैं और काम के बीच इसे एक साथ उठाकर कहीं भी लेकर जा सकते हैं। यह फ्लेक्सिबल है, ड्यूरेबल भी, और इसे आप काम होने के बाद आराम से दीवार पर लटका सकते हैं। सो गाइस, आज की इस गैजेट गैलरी में आपको सबसे अच्छा गैजेट कौन सा लगा और आप किसे लेने वाले हैं, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके पास आने वाले बेल आइकन को भी, और हमें Instagram पेज पर फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई नई नई जानकारियां सबसे पहले वहीं पर अपडेट होती हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।